हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं शुगर कोटेड शक्कर पारे। उसके लिए लिया है मैंने 2 कटोरी मैदा। उसके लिए हम डालेंगे घी 1/4 कटोरी। हमेशा शक्कर पारा या कोई भी क्रिस्पी चीज़ बनाने के लिए हम प्रपोर्शन इसी प्रकार का रखते हैं। अब धीरे धीरे करके मैं इसको मिक्स करूँगी। इस शक्कर पारे में हम सिर्फ घी डालकर आटा भिगोएंगे। क्योंकि हम इसको शुगर कोटेड करने वाले हैं तो हम इसमें शक्कर नहीं डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसे पानी से हम आटा भिगो देंगे। और आटा हमें सख्त लगाना है तो हमारे शक्कर पारे भी अच्छे क्रिस्पी होंगे। अभी हम इसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और जितना पानी समाएगा सख्त आटा लगाने के लिए उतना हम पानी इसमें यूज करेंगे। शक्कर पारे बहुत सारे टाइप्स के बनते हैं। एक है कि तो आप शक्कर डाल के बनाओ, दूसरा है कि शक्कर कोटेड करके आप, मतलब शक्कर के चाशनी में आप शुगर कोटेड बना सकते हो। तो हम इस बार शुगर कोटेड बना रहे हैं। और एक होता है नमक पारे, नमक पारे जिसमें आप जीरा, मीरा पाउडर, नमक ये सब डालकर आप बना सकते हो। और अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे तो हमारा अच्छे से आधा लग जाएगा। हमने सख्त आटा लगा दिया है। इसको भिगोने के लिए हमको करीब 1/2 कटोरी जितना पानी हमने यूज किया है। अभी हम इसको ढककर 30 मिनट्स के लिए रख देते हैं। हमारा आटा सेट हो गया है। अभी हम इसके लोई बना लेते हैं। इसकी हम अभी मोटी सी एक रोटी बना लेते हैं। देखिए, हमने मोटी सी रोटी बना ली है, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी। अब हम इसके स्ट्रिप्स बनाएंगे। हमको स्क्वायर शेप में काटना है तो पहले लंबी स्ट्रिप्स, फिर टर्न करके फिर से हम इसको कट देंगे। इस प्रकार से हम उसको कट करेंगे। अब टर्न करके फिर से इस किनार काट लेंगे ताकि हमको अच्छा स्क्वायर शेप मिले। ऐसे ही हम सब मोटी रोटी करके हमारे स्क्वायर शक्कर पारे कर लेंगे। देखिए, है ना कितना आसान। हमारे सभी रोटियां बेलकर और स्क्वायर शेप में काटकर हो गया है। हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं, पर मैंने तेल प्रेफर किया है। तो अभी हम इसमें 15 से 20 जितने शक्कर पारे डालेंगे और इसे मीडियम आंच पर होने देंगे। धीरे धीरे करके उसे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आए तब तक हम उसे डीप फ्राई करेंगे। अगर हमने आंच तेज रखी तो बाहर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे पर अंदर से वो नरम पड़ जाएंगे। शक्कर पारों का एक लॉट होने के लिए तो 5 से 7 मिनट लग जाते हैं और थोड़ा पेशेंटली हमको उसे तलना पड़ता है, तभी वो क्रिस्पी और लाजवाब शक्कर पारे बनते हैं। देखिए, शक्कर पारों का कलर चेंज हो गया है, ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए। अब हम इसे निकाल लेते हैं। एक पतीली में मैंने 1 कप शक्कर लिया है और 1/3 कप पानी लिया है। हमें चाशनी गाढ़ी चाहिए इसलिए पानी हमने कम ऐड किया है। अब चाशनी देखो, लंबा तार निकल रहा है, मतलब हमारी चाशनी तैयार है। शक्कर पारे भी बनकर तैयार है, ठंडे हो गए हैं। अब हम थोड़े थोड़े करके शक्कर पारे चाशनी में डालेंगे और स्पून के सहायता से उसको हम मिक्स करेंगे ताकि पूरे शक्कर पारों में हमारी चाशनी लग जाए। ऐसे हमारे पूरे शक्कर पारे हम
डालकर तैयार कर लेंगे। एक बार चाशनी लग गई तो फिर हम एक झारा लेंगे, झारा के सहायता से धीरे धीरे करके ये शक्करपारे निकाल कर एक प्लेट में स्प्रेड कर देंगे ताकि सूखने के बाद वो एक दूसरे को चिपक ना जाए। और देखो रिमेनिंग चाशनी हमने तपेली में छोड़ दी ताकि दूसरा जो हमारा शक्करपारे का लॉट है उसको हम शुगर कोटेड कर सकें। मान लो आपकी चाशनी गाढ़ी हो जाती है तो फिर से उसे गैस पर रखिए और 2 मिनट के लिए गर्म करिए, वो पतली हो जाएगी और बाद में अपने शक्करपारे कोट कर लीजिए। शुगर कोटेड शक्करपारे तैयार है। यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।